एशियन खेलों में भारतीय खिलाड़ियों ने अब तक का सबसे बेहतरीन प्रदर्शन किया है। भारत के नाम 11 मेडल हो चुके हैं। दिस न्यूज इज ब्रॉट टू यू बाय नवरत्न ज्वेलर्स नाहन। भारतीय महिला कबड्डी टीम ने भी बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए गोल्ड मेडल हासिल किया है, जिससे पूरे देश भर में खुशी की लहर है। पहाड़ी राज्य हिमाचल प्रदेश के लिए ये खुशी और भी दोगुनी हो जाती है, क्योंकि भारतीय महिला कबड्डी टीम की अगुवाई करने वाली रितु नेगी यहीं की बेटी हैं। गिरिपार की बेटी व महिला कबड्डी की कप्तान रितु नेगी ने सुविधा देने के लिए प्रधानमंत्री मोदी का भी आभार जताया है। मैं मोदी जी का धन्यवाद करना चाहूंगी कि हमें इतना फैसिलिटीज देने के लिए, और साई का भी थैंक यू बोलना चाहूंगी कि आपने इतना फैसिलिटीज दिया। हमारे कैंप लगते हैं और वहां पे रहने का खाने का बहुत अच्छा होता है और ग्राउंड भी बहुत अच्छा होता है, उसमें प्लेयर अपना हार्डवर्क भी कर सकते हैं और हमें किसी भी चीज की प्रॉब्लम नहीं आने देते हैं, तो उसके लिए थैंक यू। और हम यहाँ से गोल्ड लेके आ रहे हैं, देश के लिए बहुत ही खुश। बता दें, रितु नेगी गिरिपार क्षेत्र के शिलाई विधानसभा की बेटी है, जिन्होंने जहां भारत व प्रदेश का नाम रोशन किया है, वहीं सिरमौर के अलावा गिरिपार क्षेत्र का नाम भी चमकाया है। वहीं रितु नेगी के पिता ने गोल्ड मेडल जीतने पर अपनी शुभकामनाएं दी हैं तथा खुशी प्रकट की है। आज का दिन हिमाचल वासियों के लिए, भारत वासियों के लिए बहुत ही गौरवमयी है, क्योंकि आज सुबह भारत की बेटियों ने कबड्डी में 19वें एशियन गेम्स में चाइना में स्वर्ण पदक हासिल किया है। हम बधाई देना चाहते हैं इन बेटियों को और तमाम हिमाचल वासियों को, भारत वासियों को, क्योंकि ये जो मेडल है, पिछली बार हम स्वर्ण पदक लेने से चूक गए थे और इस बार हमारी बेटियों ने भारत की लाज रखते हुए ये मेडल प्राप्त किया है। और हम हिमाचल वासियों को भी बधाई देना चाहते हैं। एशियन गेम्स 2023 के लिए 5 बेटियां हिमाचल से ही सिलेक्ट हुई थी और जिसमें से 3 बेटियां हमारी फर्स्ट 7 में खेल रही थी और उनका बहुत ही बेहतर प्रदर्शन रहा है। मेरा तमाम भारत के लोगों से, हिमाचल के लोगों से जो इस वीडियो को सुन पा रहे हैं, ये संदेश रहेगा कि कभी भी बेटियों को आगे बढ़ने से मत रोकिए, चाहे उनका इंटरेस्ट खेलों में है, चाहे पढ़ाई में है, चाहे किसी और क्षेत्र में है, क्योंकि बेटियां आज तमाम क्षेत्रों में आगे बढ़ रही है और भारत का नाम ऊंचा कर रही है। इसी आशय के साथ पूरे हिमाचल वासियों को एक बार बधाई, धन्यवाद। दिव्य हिमाचल टीवी के लिए नोहराधार से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। दिव्य हिमाचल प्रेजेंट्स गोयल मोटर्स हिमाचल की आवाज 2023, पावर्ड बाय अर्नी यूनिवर्सिटी। माने दिलदारा असां ते तेनु रब मने। ग्रैंड फिनाले 12 अक्टूबर को गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज धर्मशाला के ऑडिटोरियम में। विन कैश प्राइजेस। अधिक जानकारी के लिए पढ़ते रहें दिव्य हिमाचल समाचार पत्र और फेसबुक पर लाइक करें हिमाचल की आवाज़ पेज।